आज हम अपना टॉपिक देखेंगे एडवर्टाइजमेंट आज अपना टॉपिक हम देख रहे हैं विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट। कल हमने एडवर्टाइजमेंट सीखा था मैट्रिमोनियल कॉलम में, और फिर उसके बाद हमने देखा कि हम किस तरह से अपना जॉब का एडवर्टाइजमेंट तैयार कर सकते हैं। आज हम देखेंगे एडवर्टाइजमेंट एकोमोडेशन का। एकोमोडेशन का मतलब होता है आवास, मतलब आपको रहने के लिए जगह चाहिए या फिर आपको रहने के लिए जगह किसी को किराए पर देनी है, तो हम एकोमोडेशन जो कॉलम है उसमें अपना जो एड है वो प्लेस करेंगे। जैसे एकोमोडेशन में अपने पास दो तरह के कॉलम बनेंगे, और वो दो तरह के कॉलम कौन कौन से हैं, एक तो अपने पास है टू लेट, एक कॉलम बनता है अपने पास टू लेट, और दूसरा कॉलम बनता है अपने पास एकोमोडेशन वांटेड। ये दो कॉलम बनेंगे अपने पास, एक तो टू लेट है और एक एकोमोडेशन वांटेड है। जैसे अपने पास दो स्थितियां बनती है, एक तो जैसे हमारे पास कोई मकान है और हम अपना मकान किसी को किराए पर देना चाहते हैं, या फिर दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि आप कहीं दूसरी जगह आपका ट्रांसफर हो गया है और आपको वहां पर खुद का मकान नहीं है, तो आप मकान किराए पर लेना चाहते हैं, तो आप अकोमोडेशन वांटेड कॉलम में अपना एड प्लेस करेंगे। तो देखते हैं इसमें किस तरह से हम टू लेट कॉलम में अपना विज्ञापन प्लेस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ऊपर ही ऊपर इस तरह से अपना एक कॉलम तैयार करेंगे, और कॉलम में हमने ऊपर का एक कॉलम बना लिया और ये हमने लिख दिया यहाँ पर टू लेट, किराए पर आपको देना है, तो ऊपर टू लेट कॉलम आएगा। जैसे आपने कई बार देखा होगा रास्ते से गुजरते हो किसी मकान के गेट के ऊपर आपने इस तरह का लिखा हुआ देखा होगा टू लेट, मतलब इसका साफ है कि वो मकान किराए पर देना चाहते हैं। तो इस तरह से आप भी जो विज्ञापन तैयार करेंगे न्यूज़पेपर के लिए, तो उसमें आप ऊपर ही ऊपर टू लेट लिखेंगे। वो क्वेश्चन में आपको देखना होगा कि जैसे क्वेश्चन आपके पास आ गया कि यू हैव ए फ्लैट इन जयपुर एंड यू वॉन्ट टू लेट आउट योर फ्लैट, ठीक है, आप अपने फ्लैट को लेट आउट करना चाहते हैं, लेट आउट करना मतलब रेंट पर देना चाहते हैं, तो आप एक एडवर्टाइजमेंट तैयार कीजिए न्यूज़पेपर में प्लेस करने के लिए। तो हमने ऊपर टू लेट लिख दिया, और फिर उसके बाद हम स्टार्टिंग करेंगे, वो अपनी स्टार्टिंग किससे होगी, अवेलेबल से। अवेलेबल मतलब उपलब्ध है, मतलब आपके पास मकान उपलब्ध है तभी तो आप किराए पर दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले स्टार्टिंग में अवेलेबल, और क्या अवेलेबल है आपके पास वो लिख दीजिए आगे, तो अवेलेबल ए फुल्ली फर्निश्ड, अवेलेबल ए फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट, अवेलेबल है उपलब्ध है, फुल्ली यानी पूरी तरह से, फर्निश्ड मतलब होता है सुसज्जित, पूरी तरह से सुसज्जित फ्लैट जो है वो अवेलेबल है। अब जगह का बताइए कि किस जगह अवेलेबल है वो हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ देखेगा वो एड आपका देखेगा, तो उस एड के हिसाब से उसको पता चलना चाहिए कि फ्लैट किस जगह पर अवेलेबल है रेंट के लिए। तो अवेलेबल है फ्लैट, जैसे आपने लिख दिया, नियर रेलवे स्टेशन, नियर रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास अवेलेबल है। कहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास, तो आप जो भी जगह के बारे में आप जानकारी देना चाहें, तो जैसे जयपुर, कोटा, अजमेर, जो भी आप क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग नहीं आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जयपुर में अवेलेबल है।
कैसे अवेलेबल है? ऑन रेंट, किराए पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपने दे दिया। उसके बाद हमें क्या करना होगा? ये तो हमने बता दिया कि एक फ्लैट अवेलेबल है रेंट के लिए रेलवे स्टेशन के पास जयपुर में। अब आपको बताना है कि फ्लैट की जो स्पेसिफिकेशन है, जैसे हम कोई भी ऐड होता है उसमें हम उसकी क्वालिटी बताते हैं, तो इसमें आपको क्वालिटी बतानी पड़ेगी। किसकी क्वालिटी बतानी है? फ्लैट की क्वालिटी बतानी है आपको। तो फ्लैट में क्या क्या चीज़ें आपके पास, क्या क्या सुविधाएं आप दे सकते हैं, वो सारी सुविधाएं यहाँ पर लिखनी है। सुविधाओं से मतलब है जैसे फ्लैट में रूम कितने हैं, फिर उसके बाद में उसमें किचन है या नहीं है उसकी जानकारी आप दीजिए, फिर उसके बाद आप लेट बाथ की जानकारी दीजिए, लेट बाथ अटैच्ड है या सेपरेट है वो जानकारी होती है। और फ्लैट में और क्या चीज़ें होती है, जैसे बालकनी होती है तो बालकनी है तो कितनी बालकनी है वो आप जानकारी दीजिए। उसके बाद आप जैसे लिफ्ट फैसिलिटी है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके बारे में आप बता सकते हैं, फ्लैट के नीचे जो कार पार्किंग फैसिलिटी है उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको इसमें स्पेसिफिकेशन में शो करनी होती है। तो जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि फ्लैट में 3 बेडरूम्स हैं, 3 बेडरूम्स हैं फ्लैट में। आप 2 बेडरूम्स वाला फ्लैट हो सकता है 2 बेडरूम लिख दो, और 3 बेडरूम्स है तो 3 बेडरूम्स लिख दो, जो भी आप लिखना चाहो। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप अपनी मर्जी से 2 बेडरूम्स या 3 बेडरूम्स लिख सकते हैं। फिर 1 ओपन किचन, 1 ओपन किचन है। आजकल ओपन किचन बहुत चल रहे हैं, ठीक है, एक फैशन बना हुआ है ओपन किचन का, फ्लैट में ज्यादातर ओपन किचन मिलते हैं। तो 1 ओपन किचन है, 1 big and spacious hall, एक बड़ा और स्पेशियस मतलब खुला हॉल है। उसके बाद आप बता दीजिए कि उसमें लेट बाथ जो सुविधा है उसके बारे में बता दीजिए। तो 2 अटैच्ड एंड सेपरेट लेट्स एंड बाथ्स, 2 अटैच्ड और सेपरेट लेट्स एंड बाथ्स हैं, ठीक है, लेटरिंग एंड बाथरूम्स हैं, 2 सेपरेट अलग अलग और अटैच्ड। फिर उसके बाद ये आपने बता दिया। उसके बाद आप बता दीजिए जैसे 2 बालकनीज हैं, 2 बालकनीज हैं, ये आपने बता दिया। अब इसके बाद आप बता दीजिए जैसे आपके पास कार पार्किंग फैसिलिटी है तो कार पार्किंग फैसिलिटी के बारे में आप कह दीजिए कि कार पार्किंग फैसिलिटीज है। फिर उसके बाद 24 आवर पावर एंड वाटर सप्लाई होता है, 24 घंटे पावर एंड वाटर सप्लाई है। फिर उसके बाद आप रेंट का बता दीजिए कि रेंट आप किस रेंट में अपना फ्लैट जो है वो देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपने लिख दिया रेंट ओनली ₹10,000। रुपीज कभी भी लिखें इस तरह से, रुपीज साइन आप लगाएं पहले और फिर रुपीज लिखते हैं, तो ओनली ₹10,000। और फिर उसके बाद इसमें आप कुछ शर्तें अपनी जोड़ दीजिए, जैसे
एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड मेंटेनेंस चार्जेस। जैसे कोई भी मकान रेंट पर हम दे रहे हैं तो अगले को हम बताते हैं कि नहीं बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली जो है, और मेंटेनेंस के जो चार्ज है, बिजली के और मेंटेनेंस के चार्ज है, वो एक्सक्लूडिंग है। एक तो होता है इंक्लूडिंग और एक होता है एक्सक्लूडिंग। इंक्लूडिंग का मतलब तो शामिल है, और एक्सक्लूडिंग का मतलब ये चीज़ें शामिल नहीं है, ये चीज़ें आपको अलग से देनी पड़ेगी, किराए के अतिरिक्त देई है ये चीज़ें। तो किराया 10,000 है, किराए के अलावा इलेक्ट्रिसिटी और मेंटेनेंस का चार्ज देना होगा। फिर इसके बाद आप किस फैमिली को, किस टाइप का फैमिली है, उसको अपना मकान किराए पर देना चाहते हैं। तो जैसे आप स्मॉल फैमिली को देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ओनली फॉर स्मॉल फैमिली। ठीक है, जैसे आप स्मॉल फैमिली को आप देना चाह रहे हैं तो यहां पर हमने लिख दिया Only for small family लास्ट में, और फिर अपना कॉन्टेक्ट डाल दीजिए जिसमें आपका एड्रेस आ जाएगा, कॉन्टेक्ट एड्रेस। तो कॉन्टेक्ट एड्रेस में आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, या क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, आपका पता नहीं दिया हुआ है कि आप कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप अपना कोई भी एड्रेस बना सकते हैं। जैसे आर के अग्रवाल 123 न्यू कॉलोनी जयपुर। फिर आप अपना मोबाइल नंबर आप दे दीजिए, तो मोबाइल नंबर जो है वो इस तरह से आप, मैंने बता रखा है आपको कि 9828 फिर 6 क्रॉस एंड दूसरा नंबर इस तरह से आप दे सकते हैं 9460 और 6 क्रॉस। ये अपना विज्ञापन तैयार होता है टू लेट कॉलम का, मतलब आपको अगर मकान किराए पर देना है तो आप इस तरह से अपना विज्ञापन पोस्ट करेंगे, न्यूज़पेपर में प्लेस करेंगे। और सपोज दैट, अब देखो बहुत इजी एक चीज़ और बता रहा हूँ, अकोमोडेशन में जो जिस बच्चे ने ये विज्ञापन समझ लिया उसके लिए अकोमोडेशन वांटेड को समझना बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत इजी। अकोमोडेशन वांटेड मतलब अगर आपको मकान किराए पर चाहिए तो भी आप इस तरह से इसको समझ लिया, तो इसको समझने के बाद आपको मकान किराए पर चाहिए, इस टाइप का एडवर्टीजमेंट आपसे पूछा जाता है, तो वो भी आप इजी गोइंग उसको लिख सकते हैं, आसानी से उसको लिख सकते हैं। जैसे कैसे लिखेंगे, जैसे ये अपने पास कॉलम बन रहा है टू लेट, अब आपको मकान किराए पर चाहिए, किराए पर देना नहीं है, अब किराए पर चाहिए, दो स्थितियां मैंने बता दी आपको, समझ में आ गई होगी, एक तो हमें मकान किराए पर चाहिए और एक हमें मकान किराए पर देना है। आपके पास एक्स्ट्रा मकान है, एक्स्ट्रा कोई फ्लैट है, ठीक है, तो उसको आप किराए पर देना चाहते हैं, तब तो टू लेट कॉलम बनेगा। और मान लीजिए आपका ट्रांसफर किसी दूसरी जगह हो गया है, या मान लीजिए आप किसी दूसरी जगह रहने चले गए हैं, नए स्टेशन है आपके लिए, और वहां पर आपका कोई मकान नहीं है, तो फिर आपको किराए पर लेना पड़ेगा, और लेना पड़ेगा तो न्यूज़पेपर में आप अपना एड जो है वो प्लेस कर सकते हैं। तो उसमें कैसे करेंगे, अब देखो बहुत ही ईजी है, टू लेट की जगह आपको लिखना होगा अकोमोडेशन वॉन्टेड। वेरी गुड, अकोमोडेशन वॉन्टेड हम लिख देंगे यहां पर, तो टू लेट की जगह पर आ जाएगा अकोमोडेशन वॉन्टेड। तो ये लो, यहां पर हमने कर दिया अकोमोडेशन वॉन्टेड, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखते हैं हमेशा। कॉलम जो बनाओगे आप, ऊपर वाला कॉलम, उसमें जो भी आपकी हेडिंग आप दे रहे हैं वो इस तरह से ही देंगे आप कैपिटल लेटर्स में। तो अकोमोडेशन वांटेड लिख दिया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अब जैसे आपने लिखा था यहाँ पर अवेलेबल है, उपलब्ध है, आपके पास मकान उपलब्ध था उस टाइम पर, लेकिन अब आपको मकान चाहिए, तो चाहिए तो किससे शुरू करते हैं,
वेरी गुड, वॉन्टेड से शुरू करेंगे हम। तो यहाँ पर अवेलेबल की जगह हम शुरू क्या कर देंगे, वॉन्टेड से शुरू कर देंगे कि वॉन्टेड ए फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट, एक वॉन्टेड चाहिए फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट चाहिए। कहाँ पर चाहिए? नियर रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास जयपुर में चाहिए, ऑन रेंट किराए पर चाहिए। अब किस तरह का मकान चाहिए वो लिखना होगा आपको। तो बिल्कुल यही चीजें काम में आ रही है आपके। 3 बेडरूम्स चाहिए हमें, ठीक है। 1 ओपन किचन चाहिए मकान में, और 1 बिग एंड स्पेशियस हॉल चाहिए, और 2 अटैच्ड एंड सेपरेट लेट्स एंड बाथ्स होने चाहिए उसमें। 2 बालकनीज होनी चाहिए, कार पार्किंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, 24 आवर्स पावर एंड वाटर सप्लाई होनी चाहिए। रेंट जो है इसकी जगह थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं। रेंट में आप इसमें लिख देंगे एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट मतलब अनुमानित किराया। ये रेंट की जगह बस आपको एक चीज ऐड करनी होगी, एक्सपेक्टेड रेंट, अनुमानित किराया जो है वो आप कितना दे सकते हैं। तो आपने कह दिया भाई ₹10,000 हम दे सकते हैं अनुमानित किराया। फिर आप ये जो एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड मेंटेनेंस चार्जेस हैं इसको आप चाहो तो हटा सकते हो। तो इसको जैसे हमने हटा दिया, फिर लास्ट में आप बता दीजिए कि किसके लिए चाहिए आपको। तो किसके लिए चाहिए? ओनली फॉर स्मॉल फैमिली, सिर्फ एक छोटे से परिवार के लिए चाहिए। और फिर उसमें आप अपना कॉन्टेक्ट और मोबाइल नंबर डाल दोगे। देखो है ना कितना इजी। क्या चेंज करना पड़ा हमें? कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा, बस थोड़ी बहुत चीज़ें जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ वहाँ हम अपने खुद के विजडम से हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अपना अपना दिमाग लगा करके उसको चेंज आराम से किया जा सकता है। जैसे आपको मकान किराए पर देना है तो डेफिनेटली यहाँ पर अवेलेबल लिखेंगे, और आपको चाहिए तो वांटेड आ जाएगा, और बाकी चीज़ें लगभग सेम सी है। रेंट में हमने चेंज किया है, यहाँ पर पहले तो रेंट बताई थी आपने, अब आपकी जो एक्सपेक्टेड रेंट है आप कितना किराया एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने किराए की उम्मीद आप करते हैं वो आप एक्सपेक्टेड रेंट में लिख सकते हैं। चाहो तो अवेलेबल वाले में भी एक्सपेक्टेड रेंट लगा सकते हो, ठीक है। तो ये अपना आज का विज्ञापन था अकोमोडेशन के लिए। तो दोनों विज्ञापन अपने तैयार होते हैं। इट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, नाइस मीटिंग यू, हास्ता रविस्ता।